हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करी विद कमल। आज हम बनाएंगे सूरती मटन तपेलू। फ्रेंड्स, ये सूरत की एक बहुत फेमस डिश है और इसे सूरत की एक डेलिकेसी भी माना जाता है। खासकर ये सूरत के गुजराती खत्री कम्युनिटी में खाया जाता है। ये खत्री कम्युनिटी की एक ट्रेडिशनल डिश है। इनके हर एक अवसर जैसे शादी ब्याह, नामकरण, इस टाइम पे इसको खास बनाया जाता है और इसको छोटी छोटी पूरियों के साथ सर्व किया जाता है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यूट्यूब पे इसको पहली बार पेश करने का मौका मुझे मिल रहा है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 6 बड़े चम्मच ऑयल, 7 से 8 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े यानी तज के टुकड़े, 1 टीस्पून हल्दी। यहाँ हमने 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और उनके साथ 8 से 10 हरी मिर्ची को पेस्ट बना के अदरक लहसुन के साथ मिला लिया है। इस डिश के लिए इसी रेशियो से मसाला बनाएं। नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तड़के के लिए 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून दालचीनी यानी तज का पाउडर। यहाँ हमने 500 ग्राम जितना गोट मीट यानी बकरे का मटन लिया है और 500 ग्राम मटन के साथ 50 से 60 ग्राम जितनी चर्बी यानी मटन फैट भी हमने डलवा लिया था। फ्रेंड्स, इस डिश के लिए फैट यानी चर्बी डलवाना बहुत ज़रूरी है, इसी से ये डिश को अपना एक खास जायका मिलता है। जितना मटन हमने लिया है हमने उतने ही प्याज लेने हैं। यहाँ 500 ग्राम मटन के साथ हमने 500 ग्राम प्याज लिया है। सबसे पहले प्याज काट लेते हैं। इस तरह से एक प्याज में सीधा कट डालें, फिर बीच में से कट डालें। इस तरह से बीच में कट डालें और इसी तरह एक प्याज में से 4 टुकड़े कर लें। पहले एक प्याज में सीधा कट, फिर साइड से बीच में कट। इसी तरह से सारे प्याज हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। यहाँ हमने प्रेशर कुकर में 6 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले भूनते ही हम इसमें मटन ऐड करेंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सिर्फ मटन ऐड करेंगे, मटन फैट अभी नहीं डालेंगे, इसको हम बाद में डालेंगे। अब मटन को अच्छी तरह से 5 मिनट तक भूनें जब तक कि उसका रंग सफ़ेद ना हो जाए। ये 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये मटन अच्छे से भुन चुका है, इसमें सफ़ेदी भी आ गई है। अब जो मटन फैट बचा था वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर प्याज ऐड कर देंगे, प्याज का एक अच्छा लेयर बना देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। फिर अदरक मिर्च लहसुन का पेस्ट अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें सारा मटेरियल डूबने तक पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड किया है। यहाँ हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसमें हमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं डालना है, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, मटेरियल को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है और इसको ऐसे ही एज इट इज पकाना है। कुकर का ढक्कन बंद करके इसको पहले 15 मिनट तक फुल फ्लेम पे पकाना है। 15 मिनट के बाद फ्लेम को लो करके तब तक पकाना है जब तक कि मटन पक ना जाए।
30 से 35 मिनट हो चुके हैं और तकरीबन 10 विसल भी बज चुकी है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इसको एक बार चला लेंगे, अच्छे से चला लेंगे और अब हम चेक कर लेते हैं कि मटन गला है कि नहीं। मटन का एक पीस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी मटन अच्छे से गला नहीं है और इसमें पानी भी लग रहा है, तो हम कवर करके इसमें और 5 से 6 विसल बजा लेंगे। ये हमने 6 विसल बजा ली है और हमारा मटन रेडी है। अब हम इसको सर्कुलर मोशन में अच्छे से घोटेंगे जिससे कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ हो जाए। अब हम इसमें तड़के की तैयारी करेंगे। ये तड़के के पैन में हमने 1.5 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून तजका पाउडर डालेंगे यानी दालचीनी पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चार से पांच सेकंड तक होने देंगे। अब इसको हम मटन के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मटन रेडी हो चुका है। ये हमारा सूरती मटन तपेलू रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मिंट लीव्स के साथ गार्निश करें और गर्मा गर्म फुल्का रोटी या लच्छा पराठा के साथ परोसे। यकीन मानिए, आप इसको एक बार खाएंगे तो इसका जायका आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।